साल 1991, रिचर्ड क्लिंक नाम के इस व्यक्ति की पत्नी घर से अचानक गायब हो गई थी। पत्नी के गायब होने के एक साल बाद ही रिचर्ड ने एक बुक लिखी थी, जिसमें उसने अपने जीवन साथी को मारने के 7 तरीकों के बारे में बताया था। इसके बाद पुलिस को रिचर्ड पर शक होने लगा, लेकिन पुलिस को रिचर्ड के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। रिचर्ड जिस घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था, 1997 में वो घर उसने बेच दिया और दूसरे शहर में चला गया। सन 2000 की बात है, जो नए लोग उस घर में रहते थे, वो लोग घर के बगीचे में खुदाई कर रहे थे और वहां उन्हें रिचर्ड की पत्नी की डेड बॉडी मिली।